सूर्य को तीन अर्घ होते हैं, एक लाल चंदन का अर्घ कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाता है, एक काली मिर्ची के पानी का अर्घ, जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए, या मेरा ये काम सफल चाहिए, या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है, तो उस जल के अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत डेढ़ महीने के अंदर सफल हो जाता है, काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का अर्घ, सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का अर्घ कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता रहे, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चलती रहे, तो वो लगातार एक महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता रहे, उसको रोग से निवारण हो जाता है, रोग से समस्या खड़ी हो जाए, बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव कथा कह रहे हैं, शिव जी कहते हैं, कुमारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरतालिका तीज करती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज करती है, छठ व्रत करती है, कुमारी कन्या नवरात्रि व्रत करती है, कुमारी कन्या जितने भी व्रत धारण करती है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो भी व्रत उसने करा है, कुमारी कन्या भूल से एक लोटा जल मुझे समर्पित करती है। शिव कहते हैं वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता है। मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की मार्कंडेय पुराण निकालकर उसमें पढ़ना, मिल जाएगा। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग, भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना है, उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए, शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर सात लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो सात लोटा जल का प्रयोग करें, धीरे धीरे सात लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से, सात कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना है, 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए, बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र है, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। सूर्य नारायण भगवान को बिना रुके चलने की आज्ञा है, बस चलते रहना है उनके अश्वों के साथ में, सूर्य नारायण भगवान को अपनी यात्रा पूर्ण करना है, चलते रहो, रुकना नहीं है। और सूर्य नारायण भगवान चलते रहते में लगे रहे, जिस समय तक चलता रहा वो खरमास कहला गया। फिर वापस घोड़े आ गए, गधों को निकाल दिया गया और रथ फिर आगे बढ़ गया। महाराज क्यों कहलाता है? इसे सूर्य नारायण भगवान को याद आया कि मेरे घोड़े चलते चलते थक गए होंगे, पानी कहां पिए। महाराज मार्कंडेय पुराण का चरित्र है, बहुत ध्यान से, मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की मार्कंडेय पुराण निकालकर उसमें पढ़ना, मिल जाएगा। सूर्य नारायण भगवान चलते चलते विचार करने लगे कि मेरे घोड़े प्यासे हैं, इनको क्या पिलाऊं। तब एक क्षण के लिए सूर्य नारायण भगवान ने अपने घोड़ों को रोक दिया और जल का एक कुंड देखकर वहां घोड़ों को पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिलाया तो सूर्य नारायण भगवान को फिर ज्ञात हुआ कि रुकना तो है ही नहीं,
करें क्या, घोड़े तो पानी पीने में लग गए। सूर्य नारायण भगवान ने देखा वहां पर गधे खड़े हुए थे। नारायण ने तुरंत उसी समय सूर्यदेव ने उन गधों को रथ में लगा लिया और उनको लेकर चल दिए। गधों को कहते हैं खर, इसलिए जब तक गधे उस रथ में लगे रहे, जिस समय तक चलता रहा वो खरमास कहला गया। फिर वापस घोड़े आ गए, गधों को निकाल दिया गया और रथ फिर आगे बढ़ गया। क्यों कहलाता है? इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं होते, विवाह शादी आदि का आदि फंक्शन कुछ नहीं होता। पर आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि थोड़ा गार्डन मार्डन थोड़े फ्री मिल जाएंगे तो लोग, दुनिया के लोग इसी समय पे शादी करते हैं और बाद में फिर आंख में से आंसू बहाते, हमारी बहू ऐसी मिली महाराज, ऐसा हो गया महाराज। अब महाराज क्या करे बेचारा, ये बताओ महाराज क्या करेगा? थोड़ा सोच समझ कर कार्य करिए कि हम जो शुभ कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो किस समय पर करना चाहिए। हाँ, भजन करो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, कथा करवाओ, नाम जाप करो, स्मरण करो, खूब अनुष्ठान करो, तुम भगवत नाम का जाप करो, ये तो तुम कभी भी कर सकते हो जीवन पर्यंत में, कभी भी, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भजन का भी भरोसा नहीं, करते रहो, कभी भी आ जाए तो ठिकाना किसका, ना जाने कब फोटो टंग जाए। इसलिए भजन में पीछे मत। पार्वती जी ने कर जोड़कर, हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने पुत्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने स्तुति कर शंकर भगवान से कहा, आपने मेरा नाम ध्रुमावती रख दिया, ध्रुमवान बन गए, मैं कुछ देर के लिए वेदभ्र के रूप में आ गई। पर शिव जी से पूछा कि फिर आप मुझे वापस कैसे प्राप्त हो गए, मुझे कैसे? शिव जी कहते हैं, कुमारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरताली का तीज करती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज करती है, छठ व्रत करती है, कुमारी कन्या नवरात्रि व्रत करती है, कुमारी कन्या जितने भी व्रत धारण करती है, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जो भी व्रत उसने करा है, कुमारी कन्या भूल से एक लोटा जल मुझे समर्पित करती है। शिव कहते हैं वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता है। उस कन्या के लिए श्रेष्ठ वर देखना, मैं बेटियों से एक बार जरूर कहूंगा, शादी होने के बाद अब शंकर जी को जल चढ़ाओगी वो अलग बात है, पर कुंवारी रहते हुए अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, ये निश्चित है कि आपके लिए वर आपके माता पिता जरूर देखेंगे, पर पक्का शंकर भगवान ही करेंगे कि कहाँ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।